हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स करेंगे। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, वो बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर छोटी छोटी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है, मतलब कि एग्ज़ाम में 1 मार्कर 2 मार्कर बहुत अच्छे से आ सकता है उसमें। तो ये वीडियो में पहले मैं क्या करूँगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम MCQs पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट्स फाइंड करना होता है, लेकिन स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट 1 to 20 तक के सारे स्क्वायर्स आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हो, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 36 लेती हूँ, तो पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। तो 36 के पहले प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखो ऐसे 2 18s, 2 9s, 3 3s and 3 1s, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसको पेयरिंग में कर लो, तो एक पैर का 2 आएगा और एक पैर का ये 3 आएगा, तो 6। तो लिखेंगे कैसे, डेट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज वॉट, 6, ओके। तो फर्स्ट मेथड आपकी ये है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूनिट डिजिट आपको रखनी है। सपोज़ आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट उसमें 0 ही आएगा, आप 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट, 4 4 16, मतलब ऐसा देखो 16 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया, ठीक है। 5 का क्या होगा, 25, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आया, 5। 6 का अगेन क्या हुआ, 36, तो अगेन इसका 6 आया, तो हम इधर 4 और 6 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 7 का 49, मतलब ये रिपीट हुआ, तो हम इसको 3 के साथ दिस 7 और 9 ले सकते हैं। 8 का क्या होगा, 64, तो ये 4 का होगा, तो ये हम 2 के साथ हम 8 कर सकते हैं, मतलब 8 और 2, ऐसा, या तो 2 और 8, ठीक है। उसके बाद 9 का क्या होगा, 81, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो इसको 1 और 9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस 10 है तो फिर 0 है, ओके। फिर उसी तरह से अगर आप 11 करेंगे, ठीक है, तो 11 का क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 1 है तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। 12 है तो ये 2 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा, ओके। सपोज़ आप 13 है तो 13 का यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो 13 का स्क्वायर जब आप फाइंड करोगे ना तो देखिए 169 ही आएगा। 14 है तो 14 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो 14 का स्क्वायर क्या है, 196। समझ में आ रहा है कि ये हमें क्यों करना है, ठीक है। तो बस इतना है, ओके। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मतलब ये पेयरिंग हो गया, देखो, मतलब 0 1 और 9 2 और 8 3 और 7 4 और 6 और 5 अलोन, ठीक है। उसके बाद जब भी हम 10 का, सपोज़ हम 10 का करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इवन नंबर्स होंगे 0 के, ऑलवेज स्क्वायर करेंगे जैसे 20 कर रहे हैं, तो 20 में भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या होंगे, ऑलवेज इवन होंगे। फिर नो मैटर आप कुछ भी, मतलब जैसे 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और ये ऐसे ज़ीरोस, मतलब पैर में ही आएंगे ज़ीरोस भी, ठीक है। फिर इवन नंबर के जो स्क्वायर्स होते हैं वो इवन होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 स्क्वायर ले लो तो उसका 4 ही होगा, 6 स्क्वायर ले लो तो 36 ही होगा, ठीक है। ऑड नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं वो ऑड ही होंगे, मतलब कि 3 स्क्वायर का 9, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ऑड नंबर्स में ले रहे हो, ऑड नंबर्स कौन से, 1 3 5 7 9 11, तो अगर मैं ये 2 लेती हूँ, ठीक है, तो 1 + 3, तो ये क्या हो गया, 4, और 4 मतलब क्या, इट इज़ अ 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स लिए आपने, 2, तो इसका सम क्या होगा, जो 2 का स्क्वायर होगा ना वो उसका सम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 + 3 + 5, अब प्लस मत करिए, ये कितने हैं, 3,
तो ये क्या होगा, 3 square विच इज इक्वल टू 9, समझ में आ रहा है। अब आप प्लस करिए, देखो 9 आएगा, ठीक है। अब 1 + 3 + 5 + 7, तो ये कितने हैं नंबर्स, 4, तो 4 square करोगे तो क्या आएगा, 16, ठीक है। तो इसका आप सम करो, आपको क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये मतलब आपके 8th standard के बाद भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे ना, उसमें भी काम में आएगा। NTSC दोगे तो भी काम में आएगा, IMO दोगे तो भी काम में आएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट, ये सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ही है, इवन नंबर्स के लिए नहीं है, राइट। चले फिर क्या है कि द स्क्वेयर ऑफ एनी ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि देखो, जैसे 3 square है, 3 square क्या है, 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ऑड नंबर्स की ही बात हो रही है, इवन नंबर्स के लिए नहीं हो रही है। जैसे 25 है, ठीक है, तो 25 को हम कैसे लिखेंगे, 12 + 13, मतलब कि 4 के बाद 5 को प्लस करना है, 12 के बाद 13 को प्लस करना है, ठीक है, ओके, एंड सो ऑन। आप 7 square 9 square को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा, अगर 1 ऐड करते हैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट, अगर कोई भी 2 ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ले लो और उसको अगर हम +1 ऐड करते हैं, जैसे 15 + 1 तो क्या हुआ, 16, तो ये क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि 4 square, ठीक है। कोई भी ले लो, 5 × 7 ले लो +1, तो ये क्या हुआ, 35 + 1 तो 36 हुआ, राइट। तो 36 क्या है, इट इज़ अ 6 square, ओके। फिर यही चीज़ अगर आप कोई 1 ऐड होता है, कोई इवन, मतलब 2 × 4 ले लो और +1 ले लो, तो 8 + 1 ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 3 का square होगा, 9 होगा तो 3 का square होगा। एक चीज़ याद रखो, ये जो 4 है ना, वो 3 और 5 के बीच का नंबर है, ये 6 है वो 5 और 7 के बीच का नंबर है, ये 3 है ये 2 और 4 के बीच का नंबर है, ठीक है। मतलब अब आप देखिए सिंपल, अब आप कोई भी 2 नंबर इवन नंबर्स ले लो, जैसे 6 × 8 ले लो और +1 ले लो, तो कौन सा आएगा, 7 आएगा, ठीक है। मतलब इसका क्या होगा, 49 होगा, जो कि 7 square होगा, ठीक है। चल, ये है कि 2 and नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स, मतलब जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो 2 नंबर के बीच में, जैसे देखिए अगर मैं 1 and 4 लेती हूँ, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा, दो कितने नंबर आए इसमें, 2 और 3, तो मतलब 2 नंबर हुए, ठीक है। अगर मैं n क्या लेती हूँ, 1 लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं n 2 लेती हूँ, इफ़ आई टेक n इज इक्वल टू 2, तो 4 हुआ एंड 4 के बाद उसका दूसरा मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 2 2 और ये 9 हुआ, ठीक है। तो उसके बीच में नॉन परफेक्ट कितने होंगे, 2 × 2 तो 4 होंगे, 4 होने चाहिए। कैसे, देखिए 5 6 7 and 8, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर MNP पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, डेट m² + n² इज इक्वल टू p², ठीक है। तो वो तो हमें पता ही है कि 3 square + 4 square इज इक्वल टू व्हाट, 5 square। तो इन जनरल अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, m² - 1 whole square इज इक्वल टू m² + 1 whole square, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, देखिए एक तो ये 2m m² - 1 और m² + 1, ये क्या होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ठीक है। अब हमें स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं लार्ज नंबर्स के, तो सपोज 28 है, तो हम कैसे फाइंड करके, 20 + 8 whole square, और बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी आते तो आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज़, ओके। फिर दूसरी भी पैटर्न्स है फाइंड करने की,
वो हम किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। ओके चले, अब दूसरा है कि सपोज़ मैं 9 लेती हूँ परफेक्ट स्क्वायर, सो 9 माइनस 1 करूँगी तो 8 आएगा, फिर 8 माइनस 3 करूँगी तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 माइनस 5 करूँगी तो क्या आएगा 0। जहाँ पे 0 आ गया तो 0 हमको कितने स्टेप्स में मिला 3, तो मतलब इट इज़ वॉट, इट इज़ अ 3 स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ वॉट 3। तो हम एक इस तरीके से, मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अगर मेथड आए तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, अपर सपोज मैं 25 लेती हूँ, सेम फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो उसमें आपको यही मेथड से करना है। 25 माइनस 1 तो क्या है 24, 24 माइनस 3 तो क्या होगा 21, फिर 21 माइनस 5 इज 16, 16 माइनस 7 इज 9 एंड 9 माइनस 9 इज वॉट 0। तो 0 आपको कितने स्टेप में, कौन से नंबर के स्टेप में आया 0, फिफ्थ नंबर के स्टेप में आया 0, डैट मीन्स रूट ऑफ 25 इज वॉट इज 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको कौन से स्टेप में 0 आ रहा है, बस वही आपका स्क्वायर रूट होगा वही नंबर का। उसके बाद है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है कोई भी बड़े नंबर का, लेकिन बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए स्क्वायर रूट में है ना, ऑलवेज आपको ऐसे मेथड्स दिए होंगे दैट फाइंड द स्क्वायर रूट बाय दिस मेथड, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी स्क्वायर रूट आप ले लो, ठीक है, एनी कोई भी ले लो, सपोज आप 16 का स्क्वायर ले लो जो कि है 256, ठीक है, तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ क्या करना है। सो अगर आप 256 है तो पीछे से पहले 2-2 पैर के कर गए आप ऐसे, ओके ऐसे करना है। अब ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना है जो 2 के नीचे आए, बिलो आएगा। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। सो इट्स 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है 1 हो गया ये, और ये पूरा आ जाएगा इधर नीचे। अब हमने क्या किया, इधर 1 किया है तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 करना है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए। ठीक है, तो 6 कैसे आएगा, देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे काम में लगती है, 6 कौन से यूनिट डिजिट पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, तो 24 × 4 करिए तो 16 और ये 96, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 6 में आता है, सो 26 × 6 करिए तो ये आपका आ गया 30। तो देखिए ये 26 × 6 इज 156 एंड 0, सो 256 इज वॉट 16। ठीक है, ये मेथड से आप कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी हिसाब से उसके बाद हम डेसिमल का करना होता है। सो हम जैसे जैसे एमसीक्यूज में आएंगे वैसे वैसे हम डेसिमल में, कुछ नहीं है, सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो हम अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट है एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू यहाँ पे पेज नंबर 251 में है। सो फर्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ 2.1। ठीक है, 2.1 वैसे तो देखने जाओ तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, लेकिन यहाँ पे दो, ये एक और दो, दो है, सो ये आएगा ऐसा डेट 4.41 आएगा, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद टू, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कौन से नंबर है, एक है 4356 है, वन इज 1764 है, अनदर वन इज 900 है और 863 है। यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट का जो है ना वो काम में लगेगा, जैसे 6 तो आता है, ठीक है, यूनिट डिजिट में 4 4 ज़ा 16 और वो 4 2 2 ज़ा 4 भी, 8 8 ज़ा 64 भी, ये भी दो ज़ीरोज़ है, तो ये भी मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्यों, क्योंकि 864 एंड्स विथ, देखो अगर ऑप्शन में सारे मतलब अगर है तो फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लास्ट यूनिट डिजिट 3 जो कोई भी स्क्वायर्स में नहीं आए इसीलिए। फिर थर्ड है द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग 4 क्या होगा, 6 होगा, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर,
Which of the following is the square of even number? देखिए 4 4 1 2 7 0 4 1 3 6 9 and 5 6 2 5. हमने ये मेथड किया है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर पे ही एंड होता है, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद फिफ्थ, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स विच लाई बिटवीन 91 एंड 92. तो यहाँ पे n क्या लिया है, 91 लिया है. सो 91 इंटू टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2n, ठीक है. यहाँ पे n क्या है, मतलब 2n मतलब n प्लस 1 के बीच में 2n नंबर्स नॉन परफेक्ट रहते हैं, राइट. तो ये 2 और 18, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. सिक्स, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 288 शुड बी डिवाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. मतलब 288 का आप पहले फैक्टराइजेशन करिए. तो 2 144, 272 236 218 9 3 3 and 3 1. अब पेयरिंग कर लीजिए 1 2 और 3, तो ये अकेला बचा है, ठीक है. तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है. सो आंसर इज़ व्हाट, 2. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसका हम 2 लिखेंगे, इसका हम 3 लिखेंगे, इसका हम 4 लिखेंगे, इसका हम 5 लिखेंगे, ठीक है. 10 12 120, सो 120 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 8 एंड 12, तो देख लेते हैं इसमें पहले क्या होगा. ये तीनों का एलसीएम, लीस्ट बोला है तो 4 8 और 12 का पहले एलसीएम निकालो. सो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 एज इट इज़ 1 ज़ा 3 एज इट इज़ एंड 3, ठीक है. तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, तो अब देखिए ये तो पेयरिंग हो गया, पेयरिंग किसका नहीं है, इसका नहीं है, ठीक है. तो मतलब क्लियर है कि ये जो आया है एलसीएम, ये क्या आया है, 8 3 ज़ा 24. अगर मुझे 24 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 को अगेन मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 4 होगा 12 एंड दिस, तो 144 तो ऑब्वियसली किसका है, 12 का है. तो क्या होगा, 144 इज द आंसर एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है. ओके, चलिए फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09. अब देखिए एमसीक्यू है तो मैं इजी वेव आपको बोलती हूँ. जैसे 9/100 हुआ तो ऑब्वियसली 9/100 तो मतलब 3/10, ठीक है. तो 0.3 इज द करेक्ट आंसर, सो ए होगा, ठीक है. 10, द वैल्यू ऑफ 15² - 14², ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक रूल डालना है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है. मतलब कि 15 + 14 मतलब कि क्या होगा, 29 होगा, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.